NetRocksTech.com. Computer courses. इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे HTML टेबल आप कैसे बना सकते हैं। पहले आपको एडिटर में फाइल ओपन कर लें, न्यू क्रिएट कर लें। पेज का टाइटल रख देते हैं, उसके बाद बॉडी शुरू कर देते हैं, बॉडी का एंड कर लेते हैं ताकि हम सारे टैग पहले एंड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के। और फिर इसके अंदर आप टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल के लिए आप लिख देंगे, टेबल का टैग यूज करेंगे HTML के अंदर। फिर आप इसकी स्टाइलिंग दे सकते हैं, जैसे आपने विड्थ वगैरह बतानी हो तो आप बता सकते हैं। तो हम जैसे विड्थ कर लेते हैं 100%। फिर आपने जब रो होती है उसको डिफाइन करते हैं TR टैग के साथ, तो आपने रो बनानी है टेबल के अंदर, TR टैग वाला यूज़ करेंगे। फिर टेबल रो के अंदर जैसे आपने हेडिंग देनी हो, ऊपर जो आती है उस टेबल रो के अंदर हेडिंग्स, हर कॉलम की आप हेडिंग दे सकते हैं। तो फिर उसको आपने जब डिफाइन करना है आप TH से लिख सकते हैं। इस तरह लिख दिया इसके नीचे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये टेबल रो का टेबल हेडिंग ये जो है ये इस टेबल रो को बिलोंग करती है। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ये कोडिंग स्टाइल है जिससे आपको इजी होगा कोड रीड वगैरह करनी है। जैसे इधर से लिख दिया फर्स्ट, पहले हम हेडिंग देते हैं फर्स्ट नेम, फिर टेबल हेडिंग को बंद कर लेते हैं। फिर हम एक कोड रख लेते हैं, कॉपी करके मॉडिफाई कर लेते हैं, लास्ट नेम कर लेते हैं। थर्ड वाली जैसे ईमेल रख लें। फिर उसके बाद ये जब हेडिंग हो जाती है, आपने हेडिंग जितनी देनी है दे ली है, तो फिर हम रो को बंद कर लेते हैं। तो पहले वाली जो रो है उसके अंदर बस हमारी हेडिंग्स होंगी, और फिर उसके नीचे जो हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, फिर नेक्स्ट रो बनाने के लिए आपने फिर TR लिख देना है। फिर नेक्स्ट रो के अंदर बना के हम अब हेडिंग नहीं हमने देनी, हम डेटा लिखने लगे हैं। तो डेटा लिखने के लिए TD इस्तेमाल करते हैं, टेबल डेटा। तो फिर इसके अंदर जैसे मैंने फर्स्ट का, जैसे फर्स्ट नेम के नीचे आ जाएगा ये टेबल डेटा जो है आसमिक पा। फिर उसके बाद जो है लास्ट नेम, ये जो हमने हेडिंग दी है इसका जो डेटा है वो हम ऐसे लिख देंगे टेबल। फर्स्ट में आ गया आसिम और लास्ट नेम में आ गया इकबाल। और फिर जो है ईमेल, अब उस ये जो आपने ईमेल की हेडिंग दी है इसके नीचे जो टेबल डेटा देना है टेबल देना। NetRocksTech.com। फिर टेबल डेटा को बंद कर लिया। फिर अब हमने इस टेबल रो को एंड करना है। और फिर जैसे अगर आप और भी डेटा ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप ऐड करते हैं। जैसे आपने और डेटा एंटर करना है तो फिर यही इसी तरह ही आपने नीचे ले आना है और फिर आप कुछ और एंटर कर दें जो भी आप डेटा देना चाहते हैं। जब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग करेंगे तो फिर आप डेटा बेस से लेके फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कुछ भी आप देखते हैं। फिर ये वही वाला है हमने, तो ये सब अंडर ये जो हेडिंग दी हुई है इसी के नीचे आते जाएंगे। पहले ये रो आ जाएगी, उसके बाद हेडिंग के बाद ये वाली रो का डेटा, फिर उसके बाद ये वाली रो का डेटा, फिर उसके बाद हम बंद कर देते हैं ये रो। और ये जो है टेबल डेटा ये कॉलम है, इसके अंदर एक रो के अंदर एक दो तीन कॉलम। फिर अभी हम टेबल को बंद कर लेते हैं। अभी इसे सेव कर लेते हैं और फिर इसे रन करके देख लेते हैं। आप
कोई भी नाम से सेव करते हैं, बस एक्सटेंशन .html रख लेते हैं, तो इसलिए मैंने अभी इसका नाम रखा है tables.html। फिर जब फाइल सेव कर लेते हैं आप उसे राइट क्लिक करके रन कर सकते हैं या ब्राउज या एडिटर से भी जो आपका ऑप्शन है। तो ये जब हमने रन किया तो टेबल्स का आ गया, तो ये फर्स्ट नेम वाला ये आ गया, ये और फिर लास्ट नेम का ये है और ईमेल का इधर है। अब आप इसकी विड्थ जो है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे अभी तो हमने फुल रखी है 100, अगर आपने टेबल की विड्थ 50 करनी है। फिर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं आकर, तो ये टेबल की विड्थ जो है वो 50% ऑफ द पेज हो गई है। अभी आपने देखा कि इसके ये जो टेबल है इसका कोई बॉर्डर नहीं है, अगर आप बॉर्डर भी दिखाना चाह रहे हैं कि ये पता चले कि ये टेबल है या किसी डिज़ाइन की वजह से, तो आप इधर हम CSS की प्रॉपर्टी दे देंगे इसके अंदर, जिससे हम उसके बॉर्डर्स सेट कर देंगे। ये हम हेड में आ जाएंगे, यहाँ पर स्टाइल के लिए स्टाइल का टैग यूज़ कर लेंगे, ये CSS स्टाइलिंग है। फिर इसके अंदर टेबल, फिर टेबल हेडिंग और फिर टेबल डेटा और फिर लिख देंगे बॉर्डर, जितना भी आप पिक्सल का बॉर्डर दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, और ब्लैक दिखाना चाह रहे हैं कोई और कलर आप दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फिर इसे सेव कर लेते हैं, फिर से आप उस फाइल को रन करके दे सकते हैं, जिससे हम इधर आ जाएंगे। राइट क्लिक करके भी आप रन कर सकते हैं, मैं अपने एडिटर से कर रहा हूँ। ये बॉर्डर के साथ आ गया और बॉर्डर ये ब्लैक हो गया। तो ये टेबल अगर आपने बॉर्डर के साथ दिखाने हो तो इस तरह आप दिखा सकते हैं। जैसे आपने अब रेड दिखाना हो तो मैंने इधर रेड लिख दिया, यानी उसके जो बॉर्डर है वो रेड दिखेंगे, तो हम देख लेते हैं, तो ये रेड हो गया। तो इस तरह आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर भी दिखा सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह का डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो ये सिंपल वे है कि आप HTML के अंदर टेबल आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपने HTML का कोर्स लेना है तो आप netrockstack.com के ऊपर हमारी साइट पर ले सकते हैं, ये फ्री कोर्स है। उसके अलावा और भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं ऑनलाइन भी और हमारे इंस्टीट्यूट में।